बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातुस्सलामुअलैका या सैयदी या खातमन नबीयीन वाला अलिका व सहाबिका या सैयदी या खातमल मासूमीन। मोहतरम दोस्तों, हमारा ये एक सिलसिला जारी है निदा ताहिर की एक और जनाब ऑडियो कॉल लीक हुई है, जो कि कादियानी मरजई मुरब्बी नसीर शाह के साथ वो काल है। तो उस हवाले से ये तबसरा कर रही हैं कुछ कादियानी मरजई लजनात, जो कि एक्स कादियानियाँ हैं, अफाफ अजहर साहबा और दीगर और भी कादियानी लजनात हैं। तो जनाब, ये चार वीडियोस, चार हिस्से अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर। अभी पांचवा हिस्सा हम रिकॉर्ड करने लगे हैं। आखिरी ऑडियो मैंने आपको ये वाली सुनाई थी, 35 सेकेंड वाली, मोहतरमा जाहिदा निसार साहबा की। आगे ये भी ऑडियो मोहतरमा जाहिदा निसार साहबा की और सुन लीजिए। निदा की बात यह है कि जो निदा जब से पैदा हुई है, एक बाप जो कि उसका बाप बचपन से उसको यूज़ करता रहा है, और एक बाप जो होता है वो एक सहारा होता है, तहफ़ुज़ होता है बच्चे के लिए। और एक बाप ही अपने बच्चे के साथ इस तरह की हरकत करेगा और साथ वो प्यार भी दिखाएगा, तो जाहिर है बच्चे को तो बाप की ज़रूरत होती है, अपने तहफ़ुज़ की, एक तहफ़ुज़ की सूरत में बाप की ज़रूरत होती है, बाज़ुकात माँ से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है बाप की। तो देखिए, वो एक तस्वीर उसने डाली हुई है ट्विटर के ऊपर, जिसमें वो खड़ी हुई है अपने बाप के साथ, और उसका बाप जो है वो बज़ाहिर तो वो उसके सर पे हाथ रख के खड़ा है, लेकिन उस बच्ची का जहन देखे, उसका चेहरा देखे, उसका चेहरा ऐसे जैसे वो सो रही है, वो खड़ी है और वो लग रहा है कि वो सो रही है, उसके जहन में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जाहिर है उसको अपने बाप से प्यार भी चाहिए, तो वो इन सारी बातों के साथ इन चीज़ों की आदि हो चुकी थी। इसमें निदा का बिल्कुल कसूर नहीं है, इसमें उन लोगों का कसूर है जिन्होंने निदा को इन चीज़ों का आदि बनाया। वैसे निदा के बारे में सारी जो नफ्सियात उसकी है, सब कुछ ये अफाफ ने बहुत खुल के बयान कर दिया है। मैं उसकी तायद करती हूँ कि अफाफ ने जो जो भी कुछ कहा है, मेरा भी यही ख्याल है निदा के बारे में। अब यहाँ पर इलाही जमात का देख लें कि क्या फैसला है कि एक औरत किसी तरीके से उसकी इज्जत जोनसी है वो पामाल हो रही है, वो बच नहीं सक रही और वो इस ट्रैप में आती चली जा रही है, आती चली जा रही है। एक ओहदेदार, दूसरा ओहदेदार, तीसरा ओहदेदार, वो ओहदेदारान के हाथों जलील हो रही है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो कह सकते हैं कि वो जाती है अपने खलीफा के पास और जाके उससे इंसाफ मांगती है, तो इंसाफ देने वाला खलीफा जो है वो बजाय अल्लाह ताला से मदद मांगने के और उसके जो कानून है उसको फॉलो करने की बजाय उसको, वो भी खलीफा भी उसको धुतकार देता है। तो इस सूरत में उस औरत का क्या मुकाम है इलाही जमात में? क्या ऐसी इलाही जमात में कोई औरत जिंदा रह सकती है और एक शराफत से जिंदगी गुजार सकती है, या कौन से वो रूल्स अपने ऊपर लागू करेगी जिससे उसका मुकाम बढ़ेगा, ना कि इस तरह से जलील होगी? जी, एक बात मैं भूल गई थी, वो ये कि जब पहली ऑडियो निकली थी तो इन्होंने कहा था कि ये फेक है। इनके दिमाग देखें कि किस तरह से ये जुटलाने की कोशिश करते हैं। अभी बिल्कुल इसके बरक्स देखें, निदा जिसको कि ये पागल भी कहते रहे हैं, जब ये ऑडियो सामने आई है कल की, निदा ने अपने ट्विटर पे ये नहीं कहा कि ये फेक है, उसने ये ज़रूर कहा है कि मैं कुछ बात क्लियर कर रही थी। लेकिन इनकी सोच में और निदा की सोच में फ़र्क देखें, कितना फ़र्क है। इन्होंने कहा था कि ये ऑडियो ही फेक है, मैं ना मानूँ वाली बात, लेकिन निदा ने ये बात हरगिज़ नहीं की, उसने कहा कि ये मैं ही हूँ लेकिन मैं कुछ बातें क्लियर कर रही थी। तो अभी बताएं कि पागल ये लोग हैं कि पागल निदा है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको नोट करें।
अब इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि इनके ओहदेदारान कितने किस हद तक गंदी नस्लें हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो स्कीमें निकाली हुई हैं उसकी को इसको एक्सक्यूज बनाकर फोन कॉल्स करते हैं औरतों को, बेवाओं को, जिनके मुरब्बी बंदे घर से बाहर गए हुए हैं उनको, और फिर सिंगल मदर्स को और यंग लजना को, उनको कॉल्स करके बहाने होते हैं कि हम आपसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हम आपसे किसी तबलीगी बात पर बहस कर रहे हैं या किसी मजहबी बात पर बहस कर रहे हैं, जबकि उनका मकसद कुछ और होता है। और वो दूसरी साइड पर जो औरत बैठी हुई है वो स्वीट लहजे में आपसे बात कर करके आपको हंस हंस के टाइम दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास नहीं है, वो अकेली है, उसका टाइम पास हो रहा है, और आप जो उनसे मसरूफ हैं अपनी मुश्त जनी में। तो इसी तरीके से ही तो इंसान फिर आगे गलत कामों की तरफ बढ़ता है। तो फिर अब आप क्या करेंगे कि मुझ जैसी लड़की को अगर बात की जाती है कि जब भी मैं सख्त लहजे में बात करती हूँ तो आगे से मुझे ये ताना मिलता है, तंज मिलता है कि आप अपने लहजे को प्यार और स्वीट जैसा बनाएं। भाई क्यों आप लोगों के अंदर मैं रहते हुए जब जान चुकी हूं कि आप लोगों ने मेरा स्वीट लहजा सुनकर बाद में अपने घर में बैठे क्या हरकतें करनी है, तो उससे बेहतर नहीं है कि मैं आपके ट्रैप में आने से पहले ही मैं आपके साथ जो गुफ्तगु करूं वो खरी और सच्ची हो, बेशक कड़वी हो, क्योंकि एटलीस्ट मेरा जमीर ये तो मुझे कहता है ना कि दूसरी साइड पर बैठा हुआ बंदा जो उनसे मुश्त जनी नहीं कर रहा। और ये जो इन्होंने अपने ख़ानदान को बिल्कुल अलहदा करके रखा हुआ है, ये इसीलिए ताकि इनकी सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की ये छुपी रहें और लोगों के सामने ना आएं। हमने पहले की भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई हैं। अभी जब हम ये चीज़ें सामने देखते हैं तो हम यकीन करते हैं कि जो हमने पहले की बातें सुनी हुई हैं वो भी सच ही होंगी। एक तरफ से निदा की ऑडियो और उसके कैरेक्टर के ऊपर इतनी ज़्यादा इल्ज़ामात और उसको बेचारी के साथ इतना बुरा हाल के माशरे में उसका ज़िंदा रहना मुहाल कर दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उसको सिखाए नहीं गए, आप लोगों ने सिखाए नहीं कि यहाँ के आदमी इतने घटिया और दरिंदा सिफ्त हैं कि उनके साथ तुमने कभी हंस कर बात नहीं करनी। और दूसरी तरफ मेरी जैसी औरत अगर इनके साथ करख्त लहजे में बात करती है तो उसको वो बार बार कहते हैं जी बात सुनिए, आप अपना लहजा दुरुस्त करें, आप जाहिल लग रही हैं। भाई आपको इससे क्या, मैं एक जगह पर ऐसे कनेडियन सोसाइटी में रहती हूँ जहाँ पर मैं बहुत अच्छी जॉब करती हूँ और बहुत से लोग जो हैं वो मुझे जानते हैं और बहुत मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनको मेरा ये लहजा पसंद है और वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आप लोगों को क्यों इतनी अहमियत दूँ। हमारे पास यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है जमात के ओहदेदारान की जिनके केस अदालतों में चल रहे हैं। राणा लुकमान का भी रिसेंटली कनाडा में एक केस निकला है जो हमने देखा भी है कि उसका किरदार क्या था। वो उसने मुरब्बी था और मौलवी है और उसने जामिया से तालीम हासिल की और उसका एंडेड अप जोन्स है वो अभी कोर्ट में चल रहा है। इस तरह से अगर मिर्ज़ा लुकमान का तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, निदा ने बता दिया। इस तरह से अब ये नसीर शाह का देख लें, ये बड़े बड़े ओहदेदारान ही है ना। मिर्ज़ा अफजल भी एक थे जिनको अमेरिका से निकाला गया था, समहाउ इसी किस्म के केस थे उसके ऊपर, वो भी मुरब्बी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बड़ी लिस्ट है हमारे पास जिनके हम कहाँ कहाँ पर नाम लें और कैसे कैसे बताएं, लेकिन आप लोगों ने तो एक यही कानों में उंगलियाँ डाली हुई हैं कि कौन सी लड़की होती कौन है कि उसका किरदार ख़राब है, उसकी ज़बान ख़राब है, वो होती कौन है कि हमसे ऊंची आवाज़ में ऊंचे लहजे में बात करने वाली, हमारे आगे आंखें निकाल कर बात करने वाली। आंखें निकालेगी तो उसका किरदार ख़राब हो जाता है, और अगर आंखें नीची करेगी तो कहेगी कि इसकी जो उनसी नीयत यही थी कि वो इस चीज़ में हामी भर रही थी कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो लड़की कौन सा तरीका इख्तियार करे जो आप लोगों की सोसाइटी के लिए मुनासिब हो, आप लोग तजवीज कर दें। औरत ना हो गई वो तो एक इनके लिए, इनको तो संभालने का तरीका ही नहीं आ रहा। जाओ जाकर कुराने मजीद पढ़ लो, पता चल जाए कि औरत को कैसे संभाला जाता है। अगर नहीं समझ आ रही तो अपने वहां पर अगर तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मानते हो तो उनके उस्वाए हुस्ना से ही कोई चीज सीख लो कि उन्होंने माशाल्लाह कितनी अजवाज मुतहरात थी, आप लोगों को नंबर भी पता होंगे, उनको कैसे संभाला, उनके हर हुजरे में जाकर देख लो कि वो कैसी जिंदगी गुजार रही थी। वो भी नहीं अगर समझ आती तो
इस्माइल, इब्राहिम, ये कौन कौन से प्रॉफिट्स के नाम लूँ, और कहाँ कहाँ पर आपको औरतों को संभालने के तरीके जो शायद समझ आ जाए वहां से ही कोई नमूना हासिल कर लो। अगर वहां पर भी नहीं आता तो फिर मरियम की तरह आप उसका ही नमूना हासिल कर लो। अल्लाह ताला ने मरियम को भी एक बहुत बड़ा मुकाम अता किया, और फिर उसके अगर वो भी आप लोगों को सूट नहीं करती तो आसिया को देख लो, वो भी अगर सूट नहीं करती तो फिर अब हम आपको कहाँ से लेके ला के दें वो औरतें जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए और आपके मुताबिक मुनाफकाना जिंदगी गुजारते हुए आपको आप लोगों के पीछे पीछे चले। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि निदा का कोई कसूर नहीं है, और ये फ़ोन पे बात हो रही है, और ये फ़ोन जो है ट्रैप किया गया है, और ये तो इनको इनकी पक्की आदत है कि ये किसी की हर किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं, ये साफ पता चलता है। आप इनके खिलाफ एक लफ्ज़ बोलें कहीं पे भी दुनिया के कोने में, किसी भी कोने में है, आपके उस आईडी को ट्रैप किया जाएगा और उसको हैक करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह इन्होंने निदा की ये कन्वर्सेशन जो है ट्रैप की है, और हो सकता है कि उसका व्हाट्सएप भी हैक किया हो। मैं जब से सोशल मीडिया पे आई हूँ तो मुझे मुझे हैरत होती है कि मुझे सुनने वाले इतने ज्यादा लोग हैं कि वो मुझे बताते हैं कि हम आपकी बात को मानते हैं, मुझे कॉल्स आती हैं, लेकिन अगर जिन्होंने समझना है उन्होंने मेरी आवाज सुननी है, उनको मेरे लहजे से कोई तकलीफ नहीं है, उनको मेरी मीठी लैंग्वेज से कोई तकलीफ नहीं है, उनको बाकी चीजों उनको मेरे मुंह से निकले हुए वो जो अल्फाज हैं जो मैं सच बोल रही हूँ उनको देखना है। इसी तरीके से मैं अपने मुआशरे में यहाँ पर रहती हूँ, मैं सिंगल मदर रह रही हूँ यहाँ पर अपनी सोसाइटी में, कैनेडियन सोसाइटी में, वो मुझसे प्यार करते हैं मेरे इर्द गिर्द वाले नेबर्स, लेकिन वहां पर वो बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाते। मैं जॉब करती हूँ, मैं वर्किंग लेडी भी हूँ, मेरी कोलीग्स मुझसे प्यार करते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, और मैं जॉब कर रही हूं, मैं कोई वहां से भागी नहीं हूं या उन्होंने मुझे निकाला नहीं है मेरे लहजे को सुनकर कि तुम बदतमीज हो, तुम बुरी हो। मैं उधर सरवाइव कर रही हूं इस सोसाइटी में, मुझे लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो यही हाल निदा का है, निदा को तो ऐसी सोसाइटी में आप लोगों ने बंद कर दिया, पहले कसरे खिलाफत में और उसकी भेंट चढ़ा, और अब आप अपने खिलाफत के जो निजाम जमात के भेंट चढ़ा रहे हैं, उसको तो वो नजर ही नहीं आ रहा कि स्केप का वो कहां से निकले, बाहर कहां से वो निकले, क्योंकि हमने छोड़ दिया आप लोगों को और हमें एक जिंदगी मिल गई, हम जानते हैं कि हमने कैसे रहना है, लेकिन आप लोग तो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो। यहां जमाते अहमदिया का कोई आदमी कभी भी किसी औरत से सेटिस्फाइड नहीं होगा, जो बाहर निकली है तो उसके लहजे खराब हैं, जो अंदर हैं तो उनके लहजे इतने मीठे हैं कि वो आप लोगों से हजम नहीं हो रहे। इस कल्ट में औरतों को जो इनसिक्योरिटी फील होती है वो उसकी एक जिंदा मिसाल ये एक ऑडियो है जो कल रिलीज़ हुई है निदा के फ़ोन को ट्रैप करके। तो ये सब जाहिर करता है कि औरतों को किस तरह से उनको पीछा किया जाता है, उनको ट्रैप किया जाता है, उनके लिए कोई किसी तरह के ओपननेस नहीं है उनकी लाइफ में कि वो रिलैक्स होके अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। औरतें जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं, घर में, जिम्मेदारियों में, बच्चों में, सोशली कोई उनको कोई उनकी आउटगोइंग नहीं है कोई इस तरह से कि कोई किसी तरह वो इंजॉयबल टाइम कहीं भी गुजारें, और ये उनको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है ऑल द वे राउंड, घर में, बाहर, और अभी फ़ोन भी किसी का ट्रैप हो रहा है, रिकॉर्ड हो रही है चीज़ें, ये सारी क्या चीज़ जाहिर करती है कि ये कल्ट इतना कंट्रोल में रखना चाहता है कि उनको किसी किस्म की फ्रीडम नहीं है। अब मैं जी दोस्तों, ये आखिरी ऑडियो थी मोहतरमा सतारा साहिबा की, जो कि एक्स कादियानिया हैं, जो कि आपको ये तमाम लजनात, ये सारी लजनात थी जो कि अब कादियानियत मर्दियत को ये छोड़ चुकी हैं निदा रेप की वजह से, और अब ये अपने मजालम भी बता रही हैं कि हमारे साथ भी इसी किस्म के जनाब बदफेलियाँ कि इन मुरब्बियों ने, हमारे बापों ने, हमारे भाइयों ने, क्योंकि कादियानी मर्जियों के हाँ बाप अपनी बेटी के साथ जिना कर सकता है, भाई अपनी बहन के साथ जिना कर सकता है, तो यही काम करके दिखाया पहले मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने, फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने, फिर जनाब ये तमाम खलीफों ने,
और आज तक दुनिया का हर कादियानी मरजई ये काम करता ही चला आ रहा है, और ये तमाम खलीफे ये काम करते ही चले आ रहे हैं। तो ये तफसीलत बता रही हैं आप लोगों को, ये हमारा सिलसिला जारी है। और इससे पहले जनाब ये चार वीडियोज़ आ चुकी हैं इसी सिलसिले की, ये पाँचवीं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके बाद छठी वीडियो होनी है, वो लास्ट होगी, आखिरी होगी, क्योंकि ये आगे जाके गुफ्तगू ख़त्म हो जानी है। मैंने आपको ये आखिरी ऑडियो सुनाई है मोहतरमा सतारा साहिबा की, 33 सेकंड वाली। आगे मोहतरमा वजीहा जफ़र साहिबा की है 1 मिनट 22 सेकंड की, तो वो बाद में हम पेश करते हैं। हमारे चैनल ख़त्मे नबूवत फोरम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। दुआगो रहिएगा, अल्लाह आपका हमारा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।